मूवी की शुरुआत में हम एक वैन में कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग एक गांव में शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने बेचारे गांव वालों से जमीन के कम पैसे देकर उनसे उनकी जमीन हड़प ली है, जिस वजह से एक किसान फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेता है और फिर वह एक एक करके इनसे बदला लेता है। मूवी के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे ये किसान इन लोगों को मारता है और इनमें से कोई जिंदा बचता भी है या नहीं। तो चलिए जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं, मगर इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लोग अपनी वैन उस एरिया में रोकते हैं जहां ये शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं और आपस में डिस्कस करने लगते हैं। ये है इंगेला, इस प्रोजेक्ट की हेड। इंगेला बोलती है कि इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को शुरू करने में जोनस का बहुत बड़ा योगदान है। इंगेला जोनस को इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बना देती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर इंगेला और जोनस दोनों ही काफी खुश है, परंतु बाकी लोग इनके खिलाफ हैं। उन्हें लगता है कि किसानों की जमीन पर शॉपिंग मॉल नहीं बनना चाहिए। अब सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं और इसी गांव में एक रिजॉर्ट में रुकते हैं, जहाँ हम चार लोगों को देखते हैं, जिसमें एक कुक, टूरिस्ट गाइड, मैनेजर और एक रिजॉर्ट के छोटे मोटे काम करने वाला व्यक्ति होता है। ये लोग इनका अपने रिजॉर्ट में वेलकम करते हैं और फिर रिजॉर्ट की मैनेजर सभी को अपने अपने रूम की चाबी दे देती है। सभी लोग रूम में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिजॉर्ट का कुक सभी के लिए खाना बना रहा होता है, तभी गैस खत्म हो जाती है। कुक रुगेर को आवाज लगाता है, परंतु रुगेर कुक के बुलाने पर नहीं आता, इसलिए कुक खुद ही गैस भरवाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है। कुक गाड़ी से जा रहा होता है, तभी गाड़ी पंचर हो जाती है क्योंकि किसी ने रास्ते में किलो से भरी लकड़ी की पट्टी रख दी थी। तभी कुक को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और तभी कुक आवाज का पीछा करते हुए निकल जाता है और देखता है कि किसी ने यहाँ पर पैने तारों की जाल बिछाया हुआ है। तभी पीछे से कोई आकर कुक को मार देता है। अब हमें रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये लोग एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखते हैं, जिसमें अपने प्रोजेक्ट कोलेरंगन मॉल की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद ये लोग कुछ खाने के लिए रिजॉर्ट के कैंटीन में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रिजॉर्ट की मैनेजर कुक को कॉल करती है। मैनेजर के बार बार कॉल करने पर भी जब कुक कॉल रिसीव नहीं करता, तो मैनेजर खुद ही किचन में जाती है और इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। अब सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन में आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्रोजेक्ट की बातें करने लगते हैं। तभी लीना बोलती है कि वह कोलेरंगन मॉल के एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती है और पेपर ले लेती है। तभी लीना बोलती है कि इसमें किसानों की जमीन के हर्जाने के पेपर नहीं है। लीना कहती है कि हमने किसानों के खेतों को तबाह कर दिया, इसके बदले उन्हें हर्जाना तो देना ही चाहिए। तभी जोनस बोलता है कि इस बारे में वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बोलता है कि तुमने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किया था, पर लीना बोलती है कि ये वह कागज नहीं है जिस पर उसने साइन किए थे। तभी इस प्रोजेक्ट की मैनेजर बोलती है कि हम एक टीम है और इस तरह हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। अब लीना चुप हो जाती है और तभी प्रोजेक्ट की हेड बोलती है कि कल मॉल की नींव रखी जानी है, तो सभी लोग तैयार रहेंगे। लीना अभी भी अपने फेक साइन के बारे में ही सोच रही थी। तभी जोनस उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे इस तरह सबके सामने कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जोनस एक मुखौटा लगाकर सबके सामने आता है, परंतु ये लोग इसकी बातों पर हंसने और इंजॉय करने के बजाय आपस में ही बहस करने लगते हैं, जिससे जोनस को गुस्सा आ जाता है और जोनस वहां से चला जाता है। अब हम रिजॉर्ट के छोटे मोटे काम करने वाले आदमी रुगेर को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में बियर लिए हुए झूले पर बियर के मजे ले रहा था। तभी हम देखते हैं कि कोई यहाँ आकर तलवार रुगेर के पेट के आर पार कर देता है और उसे पत्थर से बांधकर उसे तालाब में डुबा देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इंगेला जोनस के पास आती है और उसे एक फावड़ा देती है और उससे बोलती है कि कल मॉल की नींव तुम रखोगे, और वहाँ से निकल जाती है। अब हम टूरिस्ट गाइड को देखते हैं, जो सभी को इकट्ठा कर लेती है और उनसे उनके मोबाइल जमा करवा लेती है और सभी को रफ एंड टफ कपड़े पहनने के लिए बोलती है। अब सभी लोग अपने कपड़े चेंज करने के लिए निकल जाते हैं। तभी लीना अपने सबसे अच्छे दोस्त आमिर से बोलती है कि हमें किसान से कॉन्टेक्ट करना चाहिए और उन्हें उनकी जमीन का हर्जाना देना चाहिए। तभी आमिर बताता है कि वह किसान जिसकी यह जमीन है, उसने कुछ महीने पहले ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया है। यह बात लीना को पहले नहीं पता थी, उसे इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। ये सुनकर लीना काफी उदास हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गाइड इन सभी को एक लोकेशन पर लेकर आती है, जहां वह इन लोगों को दो टीम में बांट देती है और उन्हें कुछ बोतल, टेप और लकड़ियां देती है और उन्हें बोलती है कि वह इनसे अपनी नाव बनाए और तालाब के बीच रखी बॉल तक पहुंचे। जो पहले बॉल तक पहुंच जाएगा
होगा वह गेम का विनर होगा। गेम प्ले होता है, जोनस की टीम जीत जाती है। इसके बाद गाइड सभी को रोप ड्राइव के लिए लेकर आती है और सभी को कॉस्ट्यूम दे देती है। तभी गाइड लीना को आगे बुलाती है, परंतु लीना काफ़ी डरी हुई और घबराई हुई है, इसलिए वह राइड नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। लीना वापस रिजॉर्ट में आती है और जोनस के रूम में जाती है और जोनस का लैपटॉप चेक करती है, जहाँ लीना देखती है कि कैसे इंगेला और जोनस ने लोगों के साथ फ्रॉड करके उनकी जमीन हथिया लिया है। और लीना को पता चलता है कि जोनस यह सब कंपनी के दिए हुए लालच की वजह से कर रहा है। दरअसल उसे कंपनी से ऑफर मिला था कि अगर वह उनके कहे अनुसार करता है तो उसको कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिलेगी। ये सारी चीजें लीना जोनस के लैपटॉप से अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। तभी वहाँ जोनस आ जाता है, जिसे देखकर लीना बेड के नीचे छिप जाती है। अब हम रिजोर्ट के मैनेजर को देखते हैं, जिस पर वह मुखोटा वाला किलर अटैक कर देता है। मैनेजर उससे बचकर भागती है, परंतु किलर उस पर पेन फेंक कर मारता है, जिससे मैनेजर गिर जाती है। और फिर किलर मैनेजर के करीब आता है और मैनेजर के सर पे 3 से 4 बार पेन से मारता है और उसकी लाश को खींच कर ले जाता है। तभी वहाँ टूरिस्ट गाइड आ जाती है और आवाज लगाती है, पर कोई भी वहाँ नहीं आता। तभी उसे खून दिखाई देता है। वह आगे बढ़ती है और जैसे ही गेट खोलती है तो उसे मैनेजर की लाश दिखाई देती है। वह वहाँ से डरकर भागती है। तभी वहाँ मुखोटे वाला किलर आ जाता है और गाइड पर अटैक कर देता है और उसे हथौड़ी से तब तक मारता जाता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब हम देखते हैं कि ये लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं। तभी लीना यहाँ आती है और इसी के टीम के दो लोग, जो कि लीना के अच्छे दोस्त हैं और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ भी हैं, नाजिया और आमिर को बुलाती है और वह इस फ्रॉड की सारी बातें इन्हें बताती है और बताती है कि वह जो एग्रीमेंट पर लीना के साइन थे वह भी लीना से अनजाने में करवाए गए थे। जोनस ने एग्रीमेंट के पेपर की डेट चेंज कर दी थी। इन लोगों को अब सारा माजरा समझ आ जाता है। ये लोग जोनस के पास आते हैं और उससे ये सारी बातें बोलने लगते हैं। तभी जोनस लीना से बोलता है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, और लीना के साथ कमरे में चला जाता है। जोनस लीना से बोलता है कि वह भी उसका साथ दे, यदि वह उसका साथ देती है तो वह उसकी जॉब अच्छी कंपनी में लगा देगा, जहां वह इतना पैसा कमाएगी कि वह सोच भी नहीं सकती। परंतु लीना नहीं मानती और जोनस से बोलती है कि उसने उसके सारे काले चिट्ठे इस पेनड्राइव में कॉपी कर लिया है। अगर तुम चाहते हो कि ये मैं पुलिस में ना दूं तो तुम कल ही कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दो, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि टीम का एक मेंबर बाहर बाट टब में ठंडी बियर के मजा ले रहा था। तभी किलर यहाँ आकर घास काटने वाली मशीन से उसका गला काट देता है। तभी इंगेला कुछ खाने के लिए कैंटीन में आती है तो देखती है कि चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है और ये देखकर वहाँ से भागती है। परंतु किलर वहाँ आ जाता है और इंगेला को रस्सी से लटका देता है। अब सभी लोग बाहर आ जाते हैं और सभी लोग ये देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी जोनस किलर की लगाई हुई नुकीली तार से टकराता है, जिससे उसके सर के ऊपर का हिस्सा कट जाता है और उससे बहुत खून भी आने लगता है। लीना जोनस को उठाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। ये लोग बोट लेते हैं और तालाब से जाने लगते हैं। तभी बीच में जाने के बाद जोनस लीना से पेनड्राइव मांगने लगता है और लीना को लात मारकर पानी में गिरा देता है। तभी जोनस की नाव टूटकर डूबने लगती है। लीना बाहर निकलती है और किलर से बचकर भागती है। तभी वह कुक की लाश को वहां पर देखती है। लीना वहीं पास में छुप जाती है। तभी वहां लीना का दोस्त आमिर आ जाता है। लीना आमिर को पकड़ लेती है और टॉर्च बंद करने के लिए बोलती है। अब किलर रिजॉर्ट में आ जाता है और नाजिया के बाल पकड़ लेता है। नाजिया खुद को बचाते हुए अपने बाल काट देती है, जिससे बाल किलर के हाथों में रह जाते हैं। और नाजिया गाड़ी की चाबी लेकर अपनी टीम मेंबर के पास आती है, परंतु किलर उसकी गाड़ी को जला देता है और वहां से चला जाता है। तभी लीना और आमिर रिजॉर्ट में आ जाते हैं। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वह अलग नहीं होंगे। जोनस भी रिजॉर्ट में वापस आ जाता है और अपने सर पर टाके लगाने लगता है। तभी ये बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा लाओ, ये टाके मैं लगा देती हूँ, और बुढ़िया टाके लगाने लगती है। और बुढ़िया बोलती कि यह हरकत ज़रूर फ्रेंड्स की होगी, जो कि इन्हीं की टीम का एक मेंबर था, परंतु इंगेला ने उसे टीम से निकाल दिया था, इसलिए बूढ़ी औरत को लगता है कि फ्रेंड्स अब सभी से बदला ले रहा है। और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी किलर यहाँ आ जाता है, परंतु जोनस बुढ़िया को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। फ्रेंच इस बुढ़िया का दोस्त था, इसलिए बुढ़िया किलर को समझाती है कि उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया था, जिसके लिए उन्हें पछतावा भी है, और उसने इंगेला को समझाई भी थी। यह बोलकर वह किलर का मुखौटा निकालने लगती है, परंतु वह देखती है कि वह जिसे समझ रही थी ये किलर वो नहीं है, यह कोई और ही है। तभी किलर बूढ़ी औरत के सर में हंसिया मार देता है। अब हम जोनस को देखते हैं, जो गाड़ी से जा रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी पलट जाती है और वह झील में गिर जाता है। अब हमें रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है।
अब तक सभी को लगता आ रहा था कि यह सब फ्रेंड्स कर रहा है, मगर आमिर एक पेपर पढ़ता है और बताता है कि यह मर्डर उस किसान का लड़का कर रहा है जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वह अपने बाप की मौत का बदला ले रहा है। ये लोग रिजॉर्ट से बाहर आ जाते हैं, तभी इन्हें किलर दिखाई देता है और सभी लोग भागने लगते हैं। लीना और आमिर रोप स्लाइड से झील पार कर रहे होते हैं, तभी आमिर देखता है कि किलर ने इनको मारने के लिए जाल बिछा रखा है, इसीलिए आमिर लीना को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है, जिससे यह नुकीली लकड़ियां आमिर के पेट में घुस जाती हैं और आमिर मर जाता है। अब हम रिजॉर्ट का सीन देखते हैं जहां बूढ़ी लेडी और एक बूढ़ा आदमी छुपे हुए होते हैं। तभी किलर यहां आकर वुड कटिंग मशीन से दरवाजा काटने लगता है और बूढ़े आदमी को मारने लगता है। तभी बूढ़ी लेडी यहां आ जाती है और किलर पर अटैक कर देती है। किलर यहां से चला जाता है। अब ये लोग यहां से निकल रहे होते हैं, तभी किलर इन्हें देख लेता है और लेडी पर ड्रिल मशीन चलाने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी किलर के फेस को जला देता है जिससे इसका मास्क जलने लगता है, परंतु वह पास ही रखे पानी में अपना सर डुबा देता है और इन्हें मारने के लिए इनके करीब आ जाता है। तभी पीछे से नाजिया आती है और फावड़े से किलर की गर्दन काट देती है और किलर मारा जाता है। अब सुबह होती है और हम लीना को देखते हैं। तभी वहां जोनस आ जाता है और लीना को मारने लगता है। लीना जोनस के सर को पकड़ लेती है और उसकी कटी हुई चमड़ी को अलग कर देती है और जोनस पानी में गिर जाता है और मर जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि अब पुलिस इस रिजॉर्ट पर आकर उनकी डेड बॉडी यहां से ले जा रही है, और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।